अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आए हैं सोल किचन एंड कैफ़े और ये है एमएम आलम रोड पे। अगर आप लोगों ने मिनी मार्केट का गोल चक्कर देखा हो, उससे अगर आप कैफ़े जोक की तरफ जाएं और साथ ही अगर गली में मुड़ जाएं तो आपको मिलेगा सोल किचन एंड कैफ़े। और यहाँ से आज हम इनका बुफे डिनर ट्राई करेंगे। फर्स्ट टाइम ऑन लाहौर हैंगआउट हम कोई बुफे डिनर ट्राई करने लगे। जो इनका मेन्यू है उसमें अप्रॉक्सीमेटली अराउंड कोई 25 डिशेज़ हैं, जो मेन डिशेज़ हैं जिसके अंदर बीफ, चिकन और मटन और फिश, तीन चारों चीज़ें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमें आज इनका बुफे पसंद आएगा। बुफे तो आइए चलें, अंदर चलते हैं और देखते हैं इनका एक ज़बरदस्त स्क्रम्पशियस सा डिनर बुफे। बिल्कुल फ्रेश और हॉट, उसके धुएँ निकल रहे हैं। साथ में ये फिश क्रैकर्स हैं मेरा ख्याल है, और साथ में ये हमारे पास है जी हनी ग्लेज़्ड विंग्स हैं। वो देखने में तो लग रहे हैं मज़े के, और साथ में ये फ्राइड विंग्स हैं। अच्छा, वो हनी ग्लेज़्ड हैं और ये फ्राइड हैं। अच्छा जी, और उसके साथ हमारे पास है ये एग फ्राइड राइस। वो फ्रेश एग फ्राइड राइस कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। साथ में ये है जी चिकन मसाला राइस। चलिए, चाउमीन अभी आना है, साथ में हम इसको स्किप करते हैं और यहाँ पे आते हैं। ये है चिकन मंचूरियन। देखने में मंचूरियन कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना। और साथ में ये मुझे लग रहा है कि ये शाशलिक है, लेकिन अभी मैं बता नहीं सकता। ये है जी ब्रेस्ड चिकन, ये भी कोई डिश है। देखने में तो ये भी मज़े की फ्रेश लग रही है। और साथ में ये है बीफ चिली ड्राई। ओहो हो हो, बीफ चिली ड्राई। और ये है गार्लिक फिश। गार्लिक फिश। अच्छा जी, चिकन ड्रमस्टिक्स अभी आनी है। साथ में ये है पेने पास्ता। ओहो, और ये है जी बॉम्बे बिरयानी। ओए बिरयानी। और इसके साथ है जी मटन कोरमा। ओहो, मटन कोरमा। और इसके साथ है जी टिक्का बोटी सीख कबाब। आई थिंक टिक्का बोटी की जगह शायद कोई और चीज़ है, लेकिन ये है सीख कबाब। अच्छा जी, ये थे ड्रमस्टिक, जो मिसिंग थे ड्रमस्टिक आ गए हैं। क्या कमाल ड्रमस्टिक आए हैं जी। ये है जी चाउमीन, चाउमीन मिसिंग था, चाउमीन भी आ गया है। देखने में कितना फ्रेश और टेस्टी लग रहा है। कस्टर्ड, और साथ में ये है जी एग पुडिंग। एग पुडिंग, और साथ में ये गजरेला, उसके साथ शीर खोरमा, और यहाँ पे पेस्ट्रीज। ये डिफरेंट पेस्ट्रीज हैं, इनको ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। तो ये है जी सैलड बार, और इसमें आपके पास ये मैक्रोनी सैलड है, साथ में कैबेज सैलड है, और फिर ये बीन सैलड है। बीन सैलड, कैबेज सैलड, और साथ में ये मैक्रोनी सैलड, और ये कुछ सॉसेज हैं साथ में। गुलाब जामुन रह गए थे जी, गुलाब जामुन भी आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, स्टार्ट करते हैं अपना आज का फूड रिव्यू। और अब मैं सबसे पहले लेके आया हूँ 19B सूप। और 19B सूप अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें श्रिम्स हैं, चिकन है, और काफ़ी चीज़ें हैं, एग भी है, और काफ़ी ही लोडेड किस्म का ये सूप है। तो अभी इसको ट्राई करते हैं। और साथ में मैं ये थोड़ी सी ना स्टार्टर लेके आया हूँ। इसमें मैं लेके आया हूँ ये ड्रम स्टिक लेके आया हूँ, साथ में मैं फ्राइड विंग लेके आया हूँ, हनी ग्लेज्ड विंग लेके आया हूँ, पेने पास्ता लेके आया हूँ, साथ में ये मैं चिकन सीख कबाब लेके आया हूँ, और उसके साथ ही मैं ये कुछ सैलड्स भी लेके आया हूँ। तो अभी ये सब चीज़ें ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। देखने में तो चीज़ें ज़बरदस्त लग रही हैं, और मुझे लगता है कि अभी अभी फ्रेश बनी है, तो लेकिन टेस्ट करते हैं तो फिर आपको बताते हैं कि इनका एक्चुअली टेस्ट है कैसा। लेट्स स्टार्ट। नहीं जी, बिस्मिल्लाह, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं
वेलकम ड्रिंक से, और वेलकम ड्रिंक में हमारे पास है मिंट मार्गरिटा, और स्टार्ट करते हैं। डांट पड़ गई, सुकून हो गया, आप तसल्ली से हम अपना स्टार्टर ट्राई करते हैं। तो ठंडा तो पी लिया, लेकिन हम थोड़ा गर्म खाते हैं। सबसे पहले सूप ट्राई करते हैं। ये श्रिम्स के साथ सूप है, 19B सूप है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जबरदस्त, बहुत मज़े का सूप है जी। बहुत सारे लोगों को वैसे 19 में पसंद नहीं होता, क्योंकि इसमें श्रिम्स वगैरह होते हैं। मैं भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है इसका। अच्छा, ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त मुझे लग रही थी, ड्रम स्टिक ट्राई करते हैं। ओहो, क्या ड्रम स्टिक निकली है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाओ, ड्रम स्टिक तो बहुत ज़बरदस्त है। चिकन कबाब ट्राई करते हैं, सीख कबाब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थोड़े ठंडे हैं, लेकिन तेज अच्छा है इनका, सॉफ्ट है। जैसे ये देखिए ना, ये कितनी सॉफ्ट है, इसी तरह से वो भी सॉफ्ट ही। अच्छा जी, पास्ता मुझे पहले पास्ता वैसे भी बहुत पसंद है। इसमें थोड़ी सी ज़रा वैसे इसकी जो वाइट सॉस है वो कम है, लेकिन टेस्ट अच्छा है। बहुत ज़्यादा भाव नहीं है, लेकिन फिर भी टेस्ट अच्छा है इसका। साथ में ये सैलड लेके आया था, मैक्रोनी सैलड अच्छी है, और काफ़ी सैलड ज़्यादा अच्छी है, मुझे ज़्यादा पसंद आई है। अच्छा, ये मैं एक लेके आया हूँ, हनी ग्लेज विंग, ये ट्राई करते हैं। काफ़ी ड्राई हो चुका है, तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। फ्राइड विंग, ये अच्छा है, वो ये बिल्कुल फ्रेश है, इसमें से धुएँ भी निकल रहे हैं। ये फ्रेश है, इसका टेस्ट अच्छा है, तो स्पाइसी नहीं है, ज़बरदस्त टेस्ट है। तो अभी तक हमने दो चार चीज़ें ट्राई की हैं, टोटल अप्रॉक्सीमेटली 25 आइटम्स हैं, वो भी हमने साइड ट्राई करनी है, तो आपको बताते हैं कि एक एक का टेस्ट कैसा है। अब बारी आ गई चाइनीज़ की। चाइनीज़ में मैं लाया हूँ चाइनीज़ फ्राइड राइस, और साथ में ये गार्लिक चिकन, और ये है जी बीफ चिली ड्राई, और साथ में मैं लेके आया हूँ ये आपके पास है ब्लैक पेपर चिकन, और साथ में चिकन चाउमीन, और ये है चिकन मंचूरियन, और साथ में चूँकि मुझे सीख कबाब थोड़े से ड्राई थे, अभी एकदम फ्रेश आए थे, तो मैंने कहा मैं एक सीख कबाब भी और ट्राई करता हूँ, दोबारा ट्राई करते हैं, देखते हैं सीख कबाब कैसा है। और चूँकि मुझे ड्रमस्टिक बहुत पसंद आई थी, तो मैंने कहा ड्रमस्टिक क्यों ना दोबारा ट्राई की जाए, और साथ में सैलड भी लेके आया हूँ। तो अभी ये सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, और देखते हैं, बताते हैं आपको कि इनका टेस्ट कैसा है। अभी तक जो हमने चीज़ें ट्राई की है, उसमें मेजॉरिटी चीज़ें तो हमें पसंद ही आई थी, और थी भी बहुत टेस्टी। तो चाइनीज़ है, और इसके बाद हमने कुछ मटन ट्राई करना है, और साथ में हमने बिरयानी ट्राई करनी है, और फिर उसके बाद डिज़र्ट आएगा। तो आप लोगों ने भी जाना कहीं नहीं है, वीडियो एंड तक देखें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो देखते हुए आपके मुंह में पानी तो आ रहा होगा। तो जी स्टार्ट करते हैं अपना चाइनीज़ का सेक्शन, और मैं लेके आया था एग फ्राइड राइस, और साथ में ये काफ़ी सारी डिशेज हैं, इसको मिक्स करके अब स्टार्ट करते हैं। यह जी फिश गार्लिक, जैसे गार्लिक फिश के साथ इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त गली हुई, और बहुत ही मतलब कि इतनी ज़बरदस्त फिश है जिसकी कोई हद नहीं। मुझे बहुत मज़ा आया, सबसे पहले मुझे ड्रमस्टिक में बहुत मज़ा आया, और अब मुझे फिश में बहुत मज़ा आया। अच्छा, साथ में ये हमारे पास है ब्लैक पेपर चिकन, ये भी बहुत फिट है ब्लैक पेपर चिकन। मुझे लग रहा था ये थोड़ा सा ना ज़रा इतना मज़े का नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसके साथ मेरे पास है जी चिकन मंचूरियन, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन टेस्ट अच्छा है इसका भी। अच्छा जी, ये है क्या था, बीफ चिली ड्राई,
तो इस बीफ चिली ट्राई करें, इसको ट्राई करते हैं। वाओ, बीफ चिली ट्राई थोड़ा सा ना स्पाइसी है, और उसमें जो स्पाइसेस हैं उसके वो बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। और अच्छा, अब मैं ये एक लेके आया था क्योंकि ये फ्रेश आया था, तो मैंने कहा मैं क्यों ना एक दफ़ा दोबारा ट्राई करता हूँ, चिकन सीख कबाब। वाह, मज़ा आ गया। कबाब है तो थोड़ा सा ड्राई, लेकिन जो इसके स्पाइसेस हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त हैं। मुझे तो इसमें बहुत मज़ा आया, और दोबारा से माई फेवरेट। कैसी ज़बरदस्त, इसमें से देखे धुएँ कैसे ज़बरदस्त निकल रहे हैं। मैं खाने लगा हूँ, मुझे उम्मीद है मुझे बहुत मज़ा आने वाला है, और आप मुझे देखें कि मुझे खाने में कितना मज़ा आ रहा है। कमाल, जो बेस्ट चीज़ है अभी तक के लिए वो ये ड्रमस्टिक है, और साथ में गार्लिक फिश बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, मैं फ्राइड राइस का तो बताना आपको भूल ही गया, राइस बहुत ज़बरदस्त गले हुए हैं, और इनका टेस्ट बिल्कुल चाइनीज़ राइस जैसे होते हैं, बिल्कुल वैसा टेस्ट है, और बहुत शानदार है। तो अभी हमारा पाकिस्तानी सेक्शन रहता है, और साथ में फिर हमने उसके बाद हमने डिज़र्ट सेक्शन ट्राई करना है, तो अभी आपने जाना कहीं नहीं है। तो अब मैं लेके आया हूँ ये मलाई बोटी, और साथ में मैं मटन कोरमा लेके आया हूँ, बिरयानी लेके आया हूँ चिकन बिरयानी, और साथ में ये एक विंग लेके आया हूँ। और चूँकि मुझे चाउमीन बहुत पसंद आया था, तो मैं चाउमीन भी दोबारा रिपीट लेके आया हूँ, और फिर मुझे फ़िश भी बहुत पसंद आई थी गार्लिक फ़िश, तो मैं वो भी लेके आया हूँ। तो अभी देखते हैं कि इन चीज़ों का टेस्ट कैसा है। स्टार्ट करते हैं बिरयानी से, चिकन बिरयानी है। टेस्टी है, स्पाइसेस नहीं है। जो लोग स्पाइसेस ज़्यादा पसंद करते हैं उनको शायद डिसअपॉइंटमेंट से थोड़ी सी हो, लेकिन टेस्ट इसका अच्छा है। थोड़ी सी चुके ना ये भी ठंडी हो गई है, तो इसलिए ज़रा थोड़ी ठंडी है। अच्छा, साथ में ये लेके आया था मटन कोरमा, तो जी कोरमा करते हैं ट्राई। वाओ, कोरमे का टेस्ट मज़े का। अच्छा जी, ये थी साथ में मलाई बोटी। मलाई बोटी का टेस्ट अच्छा है, थोड़ी सी ड्राई है जस्ट, लेकिन है टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा, मैं फिर फ़िश लेके आया था, फ़िश तो हमने पहले भी खाई और हमें बहुत पसंद आई, गार्लिक फ़िश है। कमाल, कमाल टेस्ट है। और फिर चाउमीन, मज़ा आ गया। चाउमीन बहुत ज़बरदस्त है। अभी हमने डिज़र्ट ट्राई करना है, तो अभी आपको डिज़र्ट ट्राई करके बताते हैं कि डिज़र्ट का टेस्ट कैसा है। साथ में ये हमने एक दफ़ा मिंट मार्गरिटा दोबारा मंगवाया, क्योंकि वो छोटे सारे मिंट मार्गरिटा से हमें मज़ा नहीं आया, हमने कहा यार एक बड़ा ग्लास होना चाहिए मिंट मार्गरिटा, क्योंकि पसंद बहुत आया था। वाह, मिंट मार्गरिटा पी के ना अंदर एक ठंड सी पड़ जाती है, साथ में फिर यार ग्लेज्ड विंग भी हो जाए, यार इसका क्या कसूर है। वाह, हनी ग्लेज्ड है और मज़ेदार। तो जी, डिज़र्ट की बारी आ गई है, और अब मैं डिज़र्ट में लेके आया हूँ जेली, और साथ में ये एक मिनी कपकेक है, और साथ में गजरेला है, और उसके साथ में लेके आया एग पुडिंग, और फिर आखिर में मैं लेके आया हूँ जी गुलाब जामुन। गुलाब जामुन तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी देखते हैं कि ये डिज़र्ट इनका कैसा है। मुझे सबसे ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन है वो है गुलाब जामुन से, वो अच्छी होनी चाहिए, देखते हैं वो कैसी है। मान रही, स्टार्ट करते हैं अपना डिज़र्ट का सेक्शन, और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गजरेले से। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। एंड पे सुन्नत रसूल पूरी करना, और वो भी ऐसे मीठे से, मैं कहता हूँ कमाल है, बहुत ज़बरदस्त गजरेला, बहुत ज़बरदस्त मीठा है, बहुत शानदार है। अच्छा जी, एग पुडिंग,
सबसे एंड में गुलाब जामुन पे आऊँगा। एग पुडिंग मीठी है, ठीक है, ठंडी है, लेकिन गजरेला ज़्यादा अच्छा था। अब बारी आ गई जेली, अच्छी है जेली, बच्चे हो तो जेली बहुत पसंद करेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं कपकेक पे। ये मिनी कपकेक है, इसमें लाल मांग अच्छा है कपकेक। मैं सुना था बहुत ड्राई सा होगा, लेकिन ड्राई नहीं है, कपकेक अच्छा था। गुलाब जामुन गरम गरम गुलाब जामुन है और मुंह में जाते ही घुल गई है। तो गुलाब जामुन ऐसे ही होनी चाहिए जो मुंह में जाए और फिर गायब हो जाए। तो डिज़र्ट मुझे तो इनका बहुत पसंद आया, गजरेला सबसे अच्छा है और साथ में गुलाब जामुन तो लाजवाब है ही, और कपकेक भी अच्छे हैं। इनके पास एक शीर खुरमा भी था लेकिन मैंने वो ट्राई नहीं किया, तो चूँकि मैं खाना खा के बहुत ज़्यादा फुल हो चुका हूँ, तो मैंने कहा यार चलो डिज़र्ट पर थोड़ा सा हाथ हल्का ही रखते हैं आज। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। साथ में आपने लाहौर हैंगआउट इंस्टाग्राम और लाहौर हैंगआउट फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करना है और फॉलो करना है, और आपके जो भी कमेंट्स हो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। आपको वीडियो कैसी लगी, आज का वीलॉग कैसा लगा, आपको अच्छा लगा, और इंशाल्लाह मैं इस तरह के नए और डिफरेंट जगहों के वीलॉग्स फ्यूचर में भी लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वीलॉग एंड करने से पहले मैं आपको ये तो बताना भूल ही गया कि इसके रेट्स क्या हैं। इसके रेट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आपने फूड सारा देखा, मुझे उम्मीद है आपको फूड, मुझे तो फूड बहुत पसंद आया, आपको देखते हुए भी पसंद आया होगा। इसके रेट है जी 1275 प्लस टैक्स, और यहाँ पे जो डिनर बुफे है वो फ्राइडे सैटरडे एंड संडे होता है, और साथ में ये 8 बजे से रात 8 बजे से 11 बजे तक होता है। तो अगर आप लोग यहाँ आना चाहें तो कैफे जो के साथ ही जो स्ट्रीट है उसके अंदर सोल किचन है, सोल किचन एंड कैफ़े, तो आप लोग यहाँ पे आएँ फ्राइडे सैटरडे संडे, अपनी फैमिली के साथ आएँ, फ्रेंड्स के साथ आएँ, और एक इंतहाई लजीज और ज़बरदस्त स्क्रम्पशस सा डिनर बुफे इंजॉय करें। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि LSC और LUMS के स्टूडेंट्स के लिए हाईटी के ऊपर, डिनर के ऊपर नहीं, हाईटी के ऊपर बाय टू गेट वन फ्री की ऑफ़र भी है, और इसके अलावा भी सोल किचन एंड कैफ़े की और भी ऑफर्स हैं। मैं आपको सोल किचन एंड कैफ़े का फेसबुक पेज भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको फॉलो करें और आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि और भी जो इनकी डिस्काउंट्स चलती रहती हैं आप वो देख सकते हैं, जो डिस्काउंट्स वहाँ पर आ रही होंगी आप उनको आके यहाँ पर अवेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।